एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लेक्चर नंबर 15 में टॉपिक एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे। तो कल शायद मैंने वीडियो में कहा था कि आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, लेकिन उसमें बीच में एक छोटा सा टॉपिक में रह गया था और वो है एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन के दो या तीन मेथड आपकी बुक में दे रखे होंगे, उनमें से केवल एक सिलेबस में है, वो है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशंस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। बहुत इजी सा टॉपिक है ये, मान लीजिए अगर पेपर में आते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो वो आपके लिए बोनस रहेगा। इट मीन्स अब पढ़ो और परमानेंट याद हो जाएगा, एक ही बार में परमानेंट याद हो जाता है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और कल संडे है, तो संडे को आपका टेस्ट होना होता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट इस कंप्लीट चैप्टर का होगा। तो जो इस वीक में न्यू टॉपिक्स हुए हैं 70% क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे और 30% जो पहले कवर हो चुका उसमें से आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल इस सप्ताह में जो हुआ है या इस वीक में जो हुआ है वहीं से आएगा, ऐसा नहीं है। कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट है, तो कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आज मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। और साथ में जो नोटबुक चेक करने का जो टाइम है वो है मंडे। तो मंडे यानी आप आज भी करवा सकते हो, कल भी करवा सकते हो, लेकिन मंडे आपका लास्ट डे है। मंडे को 3 PM से पहले पहले सभी की नोटबुक ये चैप्टर मैं चेक करूँगा, तो सभी अपनी फ़ोटो मेरे पास सेंड करें। अगर किसी कंप्लीट, वैसे तो है ही, मेरे को पता है कि अप्रोक्सीमेटली 12th में सभी बच्चे काम सही कर रहे हैं और सभी का पूरा भी है, लेकिन कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम जानते हैं, हम आपको कई सालों से पढ़ा रहे हैं। कुछ नए बच्चे भी हैं जो लास्ट ईयर आए थे, तो उनका भी पता चल चुका है कि कौन कितना पढ़ सकता है, लेकिन वो जब भी टेस्ट होता है तो एक दो बार मैंने चेक करने के लिए ऐसा भी किया था, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी डाल दिया था जिसके ऑप्शन ही ना हो या जिसका सॉल्यूशन ही ना हो पाए। उन बच्चों ने उसको भी ठीक कर दिया। तो उनके मार्क्स 20 out of 20 आ रहे हैं। इट मीन्स वो एक अक्षर भी नहीं पढ़ रहे हैं, ना किसी वीडियो को वो देख रहे हैं। जो बच्चा गलत क्वेश्चन देने के बाद भी उस पेपर में 20 out of 20 ले रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने एक भी टॉपिक टच नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। अदरवाइज क्या होता है कि पेपर को डाले हुए आपके पास सेंड किए हुए 2 मिनट नहीं होते, तभी बच्चों का फ़ोन आ जाता है या मैसेज आता है, सर ये क्वेश्चन है ये हमें थोड़ा गलत लग रहा है। तो पढ़ने वाले बच्चे वो होते हैं कि तुरंत देखते ही क्वेश्चन को बता देते हैं कि शायद इसमें कुछ गलती हमें लग रही है, आप एक बार चेक कर लो सही है या गलत है, तब तक हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो वो होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, ये नहीं कि आराम कर लो किसी ABCD नाम से अपना पेपर सबमिट करवा दो। अब की बार मेरे को भी मेल के थ्रू आपका लेना पड़ेगा। एक बच्चा एक फ़ोन से एक ही बार सबमिट कर पाएगा, तो अपनी मेल ID और पासवर्ड अपने तैयार रखें। जिसको नहीं पता है वो अपने पेरेंट्स वगैरह ने अगर लगा रखे है कोई मेल या पासवर्ड तो उनसे अपना पूछ ले और वो अपना लिख के रखे, ताकि पेपर दो तो आपका सबमिट टाइम पे या लॉगिन टाइम पे आपका वो एड्रेस मांगेगा। और एक गूगल अकाउंट से एक ही पेपर दिया जा सकता है। ठीक है, तो कल संडे को कुछ ऐसा ही हम करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट जो ऐसा कर रहे हैं, मैं बता रहा था कि इधर उधर से करके पेपर दे देते हैं, उसमें नंबर ले लेते हैं। तो ये मत सोचना कि आप हमें भ्रमित कर रहे हो और हमें ये लगा कि ये बच्चा पढ़ने लगा। नहीं, हमें तो पता है कौन पढ़ सकता है और कौन नहीं पढ़ सकता, और कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब पेपर आ जाएगा तब देखेंगे आप कितने मार्क्स लेते हो, तब तो अपनी असलियत को आप खुद फेस करोगे। अब उस टाइम पे हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, लेकिन इस टाइम पे बहुत कुछ बिगाड़ सकते हो। कैसे कि पढ़ो, प्रॉब्लम आए तो पूछो बार बार, अगर एक ही टॉपिक नहीं आ रहा तो उसको बार बार पूछो। बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सभी को डिस्कस करो, खुद करने की कोशिश करो। तो ऐसे करके आप अपना फ़ायदा कर सकते हो।
लेकिन ऐसा जो कर रहे हैं कि हाथ ही नहीं लगा रहे, नहीं देख रहे, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ एक बार वीडियो को देखा तो ठीक है हम चेक कर लेते हैं कि हाँ इस बच्चे ने वीडियो देख लिया। अब वो क्या होता है, किसी ने 2 मिनट देखा चाहे किसी ने पूरा देखा, वो हम पता नहीं लगा सकते कि किसी ने पूरा देखा या 2 मिनट देखा। तो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये तो पता चल गया सर को कि देख लिया, अब हम देखें चाहे ना देखें। वो आपको पता भी है, मैं घर भी आता हूँ चेक करने के लिए और पता भी चल जाता है कुछ बच्चों की, मैं चेक भी करके आ गया और मेरे को पता था इन्होंने वीडियो से नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी मैंने उनको कुछ नहीं कहा। अब वो खुद भी कह रहे हैं कि हाँ अब तक हमें कुछ नहीं आता और नंबर 20 out of 20 ले रहे हर टेस्ट में। तो वो अपने आप को सही लाइन पे लेके आएँ और रेगुलरली पढ़ाई करें, डेली वीडियो को वॉच करें। इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन आप करके रखें, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करें कल के टेस्ट के लिए, ठीक है। मंडे से नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, छोटा सा चैप्टर है EM वेव्स, ठीक है। 2 या 3 मैक्सिमम 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि हाफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये जो लेक्चर है ये भी नेक्स्ट हाफ का ही मान के चलिए आप, हाफ से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब देख लो आप कहाँ चल रहे हो और क्या आपको आता है क्या नहीं आता है, वो आप देख ही सकते हो। चलिए टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि LC ऑसिलेशन का केवल और केवल क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में है, बाकी इसके 2 मेथड और थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह वो हटा दिए गए हैं। तो आइए हम सबसे पहले पता करते हैं ये होता क्या है। L और C, L मीन्स इंडक्टर और C मतलब कैपेसिटर ऑसिलेशन, इनकी हेल्प से क्या करवाना है ऑसिलेशंस पर, किसकी ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, ठीक है। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। तो जो भी हम पढ़ेंगे वो दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। होता क्या है कि हमारे पास एक कैपेसिटर अगर है तो हम उसको फुल्ली चार्ज्ड कर लेते हैं, क्या कर लिया हमने उसको चार्ज्ड कर लिया, मान लिया उसके ऊपर क्या चार्ज है, कितना चार्ज है क्या है, तो इसके अंदर जो एनर्जी जो स्टोर्ड है वो कितनी रहेगी, 1/2 Q/C या Q²/C। तो ये होना चाहिए आपका Q²/C, शायद नहीं यही होता है 1/2 Q²/C। तो ये इसकी एनर्जी होगी। अब क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज्ड करके बैटरी से तो डिस्कनेक्ट, भाई चार्ज करने के लिए कोई सोर्स तो चाहिए, उसको हम डिस्कनेक्ट करके और इसको एक इंडक्टर के अक्रॉस लगा देते हैं, जिस इंडक्टर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 हो, अप्रोक्सीमेटली नहीं होना ही चाहिए अगर आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अभी बताएंगे थोड़ी देर में अनडैम्प्ड बनानी है, तो इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 और ठीक है। तो जैसे ही हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा एंड करंट इज स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दिस सर्किट। और अब इसके अंदर से जब करंट फ्लो करेगा देन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज सीन देयर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी नज़र आएगी और वो क्या होती है, 1/2 LI², ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी क्या आएगी, सीन होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी चार्ज्ड कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें किसके हेल्प से, इंडक्टर की हेल्प से, तो वहाँ पे कुछ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम LC ऑसिलेशंस के नाम से जानते हैं, क्लियर है। यानी एक चार्ज्ड कैपेसिटर को अलाउ कर दो डिस्चार्ज होने के लिए किसके हेल्प से, इंडक्टर की हेल्प से, तो वहाँ पे कुछ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं जिनको LC ऑसिलेशंस के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लीजिए, When a charged capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, electrical oscillations of constant amplitude. अगर आपका ये non-resistive inductor है तो आपका क्या होगा, constant magnitude के oscillations बनेंगे, electrical oscillations of a constant amplitude एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस्ड, दिस या दीज ऑसिलेशंस आर
known as LC oscillations. These oscillations are called LC oscillations. Clear है? अब देखिए कुछ assumption हमारी यहीं से शुरू हो जाती हैं. Let us consider initially the capacitor C is fully charged. Capacitor C is fully charged and suppose at that time its charge value is Q naught. Its charge value is Q naught. Therefore, electrical energy या electrostatic energy stored in this inductor is equal to 1 upon 2 Q naught square upon C. ठीक है, C मैंने capacitor को नाम दिया है. तो ये हो गया आपके पास 1 upon 2 Q naught square upon C. C मतलब capacitance. ठीक है, तो जैसे इसको मैं C नाम दे देता हूँ ऐसे, और ये आपका L हो गया. तो ये मेरे पास कंडीशन है. एट दैट टाइम देर इज नॉट एनी करंट इज फ्लोज इन दिस सर्किट. यानी I की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है. नाउ द सर्किट इज क्लोज. यहाँ पे जो एनर्जी होगी कौन सी, फील्ड एनर्जी. यहाँ पे कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी. वो आपकी क्या रहेगी, जीरो. जब तक यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहाँ से. ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन होगी. तो इस टाइम पे यहाँ पे मैंने कोई इस तरह की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो नहीं दिखा रखी हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उनको शो नहीं कर रखा है. क्लियर है? तो यहाँ पे अब क्या होता है, देन द सर्किट इज क्लोज्ड एंड द कैपेसिटर इज स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग एंड ए करंट आई इज स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दिस सर्किट. इस सर्किट में एक करंट आई फ्लो होना शुरू हो जाता है एंड हैंस मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड अराउंड द इंडक्टर और ए मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज सीम्स इन अक्रॉस द इंडक्टर. अब देखिए वहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू, यहाँ पे देखिए क्या नोट थी, सपोज यहाँ पे कितनी बच गई क्या, यानी कुछ ना कुछ कम होगी. वेयर क्या नोट इज द चार्ज व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज और मैक्सिमम चार्ज होता, तो यहाँ पे ये वैल्यू है, ऐसा कंडीशन है. तो जैसे ही आपके पास ये क्या नोट की वैल्यू कम होती है इस कंडीशन यहाँ पे इस स्टेज पे आके, तो मैं मान रहा हूँ उस टाइम पे वो कितना बच गया क्या, तो यहाँ पे यू ई की वैल्यू 1/2 क्या स्क्वायर अपॉन में सी बच गई. ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो इंडक्टर की फील्ड एनर्जी थी ना, फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर किससे लिखते हैं, यू बी इज इक्वल टू जीरो. लेकिन इस टाइम पे यू बी इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वेयर हो जाएगी. ठीक है, इस केस में ये और इस केस में ये इस केस में और ये इस केस में. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, अ टाइम कम्स एट विच द कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज. अब कैपेसिटर आपका क्या हो गया है, फुली डिस्चार्ज, मीन्स क्या इज इक्वल टू जीरो. चार्ज की वैल्यू क्या होगी है, जीरो होगी है. और यहाँ पे सारा का सारा जो चार्ज है वो यहाँ पे आ चुका है एंड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम मैक्सिमम करंट इज फ्लोज थ्रू द सर्किट. मैक्सिमम करंट इज फ्लोज थ्रू द सर्किट. इस सर्किट से क्या करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा आई नोट. तो इसके लिए अगर मैं वो इक्वेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आपके पास यू ई इज इक्वल टू जीरो हो गया और यू बी इज इक्वल टू 1/2 एल. यू बी की वैल्यू क्या होगी इस केस में, यू बी इज इक्वल टू 1/2 एल आई नोट का स्क्वेयर. ये कंडीशन आ गई इसके लिए. क्लियर है? अब देखिए वो आपका कैपेसिटर है डिस्चार्ज हो चुका है. ठीक है, सारा का सारा चार्ज है वो किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में कहाँ पे आ चुका है, इंडक्टर के अंदर आ चुका है. नाउ अ टाइम कम्स द करंट इज स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन बट ड्यू टू दिस करंट कैपेसिटर इज अगेन स्टार्ट चार्जिंग एंड द चार्ज मैनर ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज अपोजिट. मीन्स यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया,
जिसमें इस टाइम पे इसमें जो करंट है मैं मान के चल रहा हूँ कि अब भी क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपने देखा था कि जो डिक्रीजिंग टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इसका साथ देता है, इसी की डायरेक्शन में होता है, और इंक्रीजिंग टाइम में इसका अपोज करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन को सेम रखा। कभी ऐसा मत कर देना करंट की डायरेक्शन को बदल दो, करंट की डायरेक्शन हमेशा वही रहेगी, चाहे डिक्रीजिंग हो और चाहे इंक्रीजिंग। बस इतना होता है डिक्रीजिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका साथ दे देता है और इंक्रीजिंग में उसका डायरेक्शन का अपोज करता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपके पास ये जो हैं अब की बार फील्ड लाइन्स हैं, इनकी जो शेप है वो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो हम इसको सेम ही रखते हैं। तो ये अपने पास कंडीशन आ गई है। इसके लिए अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो क्या रहेगी, सपोज इस टाइम पे चार्ज क्या है क्या, तो क्या लिखोगे, यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में सी, एंड यहाँ पे इसकी बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वेयर, एंड एट दैट टाइम एंड एट दिस टाइम अगेन यू ई इज इक्वल टू 1/2 क्यू नोट स्क्वेयर अपॉन में सी, यहाँ पे चार्ज क्यू नोट हो गया है, एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी यू बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो है अब की बार ये जो लाइन्स है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इनकी डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि अब जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। एंड अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करंट की वैल्यू एक बार फिर आपकी 0 हो जाएगी, यहाँ पे करंट की वैल्यू एक बार फिर 0 हो जाएगी, और यहाँ पे करंट फिर दोबारा फ्लो होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे फिर हम दिखा देंगे कि करंट आपका कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए अब जो करंट फ्लो करेगा वो इस कैपेसिटर के कारण करेगा। तो अब कैपेसिटर का ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो डायरेक्शन अब क्या हो गई है, अपोजिट। ध्यान रहे बस यही इसमें याद रखने की चीज़ है कि कहाँ पे इन फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन बदली है मैंने और कहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, बस आपको ये याद रखना है। 1, 2, 3, 4, 5 डायग्राम्स के बाद 6th जो डायग्राम आता है उसमें मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो आपको एटलीस्ट 6 डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे, वैसे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए 8 डायग्राम्स की ज़रूरत होती है, तो वो आप बना ही लोगे। इससे आगे क्या होना है ये फिर दोबारा डिस्चार्ज हो जाएगा, ये फुल्ली हो जाएगा, उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और यहाँ से हमें मिलती हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, यहाँ से हमें क्या मिलती हैं, अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। तो किस तरह की होती हैं, क्या शेप होती है उनकी, तो ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है कि अनडैम्प्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशंस बना के दिखाइए। तो चलिए इस शेप में बना देते हैं, तो ये आपकी हुई अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ये जो एम्पलीट्यूड है ये शुरू से लास्ट तक आपका क्या रहेगा, सेम। इधर टाइम होता है और इधर आपका एम्पलीट्यूड होता है, किसका, ऑसिलेशंस का। लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये तो है अनडैम्प्ड। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जो ऑसिलेशंस होती हैं वो कुछ इस तरह की बनती हैं। कुछ इस तरह की ऑसिलेशंस बनती हैं, ये हैं आपकी डैम्प्ड ऑसिलेशंस और ये हैं आपकी अनडैम्प्ड। इधर क्या होता है एम्पलीट्यूड, ये क्या है टाइम, ये क्या है इधर एम्पलीट्यूड, इधर क्या है टाइम, यानी टाइम के साथ साथ अपने आप ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है। एक्चुअल में तो ये होता है, लेकिन हम एल सी ऑसिलेशन जो पढ़ा है वो क्या मानना है, नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर। तो उसके लिए क्या आना चाहिए रिजल्ट, ये आना चाहिए कि एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहे थ्रू आउट द ऑसिलेशन, जितनी भी ऑसिलेशन बनेंगी उन सभी में एम्पलीट्यूड क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल इसका
टेस्ट होना है, मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ, कंप्लीट चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस करें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।